एक्टर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एग ट्रे, उसके साथ जो सामान लगेगा हमारा वो होंगी 6 एल्बो जो कॉर्नर पे से हमें बैंड करने के लिए चाहिए होती हैं, आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी। 2 टी एल्बो चाहिए होंगी हमें, उसका यूज़ मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा। एक 8 इंच का पाइप जो कटा होगा, इसमें से पाइप का एक टुकड़ा हुआ है, इसमें 6 इंच के 4 पाइप चाहिए होंगे हमें, और इसके साथ साथ 7 इंच के 2 पाइप चाहिए, 2 इंच के 2 पाइप चाहिए होंगे हमें। फिर आगे आपको तरीका बताता हूँ बनाने का। हम ले लेते हैं, अब हमारे पास है 4 एल्बो, ये हमारे 7 इंच के 2 पाइप है, इसको ऐसे करके आप जोड़ लीजिए, ये हमारे 2 पाइप ऐसे बन जाएंगे, ये हमारे 2 पाइप लग गए पता, अभी ये हमारे बन गए। ये अब हम ले लेंगे 2 टी एल्बो, और हमारे पास है 4 6 इंच के पाइप है, इसको लगाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक पाइप इसमें लगाया, एक साइड ये लगाया, ये ऐसे हमारे 2 पाइप बन के तैयार हो जाएंगे। ये हमारे 2 पाइप तैयार हो गए, इसको जोड़ना कैसे है, ये हमने पाइप लिया था, इसको ऐसे, इसको ऐसे करके हमने इसमें जोड़ दिया है, ये हमारा फ्रेम तैयार हो जाएगा। ये जो बेस के लिए हमें फ्रेम चाहिए, ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। उसके बाद हम ले लेंगे जो 2 हमने प्लास्टिक के पाइप लिए 2 इंच के, इसको हम इन टी एल्बो में ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। और अब हमारे पास ये 2 एल्बो बची हुई हैं, इसको कि हमने 8 इंच का एक पाइप लिया था, 8 इंच के पाइप को हम इसमें ऐसे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमने इसको इसमें फिक्स कर देना है, ये हमारा फ्रेम बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, ये हमने ट्रे ले लेनी है, और इसको किसी इसको बिल्कुल बीच में सेंटर में आपने बैलेंस करके देख लेना है कि ये बैलेंस कहाँ होगी। इसका जो सेंटर पॉइंट हमने ये ले लिया, उसको हमने रखा है पाइप के बिल्कुल बीच में, ये सेंटर इसका और ये पाइप का सेंटर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम किसी तार से रस्सी से इसको हम बांध लेंगे जिससे ये गिरेगा नहीं, फोल्ड करके इसको किसी इसको बीच में फिक्स कर लेंगे, इससे ट्रे बराबर में बैलेंस हो जाएगी दोनों साइड से, इसमें 3 साइड ये है, 3 साइड ये है, ठीक है। तो इसको अब मैं किसी तार से इसको बांध लेता हूँ, जो ये गिरने का चांस इसके दोबारा ना हो। ये एक नोट हो गई, मैं आपको दिखाने के लिए अभी सिर्फ 2 सिरे बांध के दिखा रहा हूँ। आप मजबूती के लिए इसमें 2 या 3 से 3 भी बांध सकते हैं, ये हमारा फ्रेम तैयार है, इसको हम इस पर सेट कर लेंगे। ये हो गई हमारी टर्नर तैयार, इसका थोड़ा सा बैलेंस अभी आउट है, तो ये हमारा टर्नर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। इसमें आप अंडे रखोगे तो ये ट्रे ऐसे काम करेगी, दिन में हमने इसको 3 से 4 घंटे बाद एक बार घुमाना है सिर्फ, इसमें जो भी अंडे रखे होंगे आप चाहे तो 20 रखें 10 रखें, इसकी कैपेसिटी 30 अंडों की है। तो दिन में आपने करना क्या है, सिर्फ एक बार बॉक्स खोल लें और इसको एक बार ऐसे हिला दें, 4 घंटे इसको ऐसे ही रहने दें, फिर 4 घंटे बाद
आप इसको दूसरी साइड से टर्न कर सकते हैं। इसमें आपके सारे अंडे एक साथ टर्न हो जाएंगे। ये मैं आपको अभी सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, अगर ऑटोमेटिक आप बनाना चाहें तो उसका तरीका भी मैं बताऊँगा, वो मोटर कहाँ से मिलेगी, कहाँ सेट करनी होगी और वो कितने टाइम तक चलेगी। अभी आप फिलहाल सिर्फ हाथ से चलने वाली टर्नर देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी चूज़े निकालने में। डेमो के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने एग लिए, ये हमने यहाँ रख दिए, ये हमने इनको ट्रे में लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि इनको 3 से 4 घंटे बाद हमने रोटेट करना होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो चूज़ा इसके अंदर बन रहा होता है वो छिलके से चिपकेगा नहीं। आपने 4 घंटे ऐसे रख लिया, 4 घंटे बाद इसको घुमा करके ऐसे रोटेट कर देना है, तो इससे आपका जो चूज़ा इसके अंदर बन रहा होगा वो चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से वो फर्टाइल होगा और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।